छात्र नमस्ते। आज हम इस कक्षा में देखने वाले हिंदी लोक भारती नवी कक्षा, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। और हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वह पाठ है हमारा जूलिया। ठीक है, आपको पृष्ठ क्रमांक 15 पर यह पाठ दिख जाएगा। ठीक है, तो यह इसके लेखक जो है उनका नाम है अंतोन चेखव। ठीक है, अंतोन चेखव जी का यह सुंदर पाठ जूलिया, पाठ क्रमांक 5 जूलिया। ठीक है, तो जूलिया के बारे में आज हमें जानना है कि जूलिया यह क्या थी। ठीक है ना, तो जूलिया एक लड़की थी जो कि एक बच्चों की गवर्नेंस का काम करती थी, है ना। तो इसके बारे में जानने से पहले हम इस पाठ के जो लेखक है अंतोन चेखव, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अंतोन चेखव जी का जन्म 29 जनवरी 1860 में हुआ। कहाँ हुआ? तो तगान रोग यहाँ पे हुआ। यह कौन से देश में है? तो रूस में है। भारत में, इंडिया में इनका जन्म नहीं हुआ, इनका जन्म हुआ रूस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मृत्यु इनकी 15 जुलाई 1904 में हुई। ठीक है, परिचय, महान रूसी साहित्यकार आप है अंतोन चेखव जी। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंगात्मक चित्रण किया गया है। सामाजिक कुरीतियाँ या फिर सामाजिक समाज में जो कुरीतिक भावनाएं हैं, गलत भावनाएं हैं, खराब भावनाएं हैं, बेकार भावनाएं हैं या फिर बेकार समाज की मानसिकता है, उस पर व्यंगात्मक इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, अंतोन चेखव जी इन्होंने, इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे हम। तो इनकी प्रमुख कृतियों में ए ड्रीरी स्टोरी, ठीक है, देखिए ए ड्रीरी स्टोरी, क्योंकि लेखक रूस के थे तो अंग्रेजी में उनका जो साहित्य अंग्रेजी में था। द वाइफ एक उपन्यास था, अन्ना ऑन नेक बैड बिजनेस, ठीक है, उसके बाद द बर्ड मार्केट, उसके बाद ओल्ड एज, है ना, उसके बाद ग्रीषा आदि कहानी इन्होंने लिखी है, आदि कहानियाँ इनका साहित्य संग्रह है। इवानो, उसके बाद द चेरी आर्चर आदि नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो जूलिया नाम की यहाँ पे कहानी दी है, यह एक एकांकिका है। क्या है? एकांकिका। एकांकिका क्या होती है? तो उसमें एक छोटी कहानी होती है, एक कहानी होती है, छोटी कहानी होती है। जैसे अगर कोई आप नाटक देख रहे हैं तो वही वहाँ का जो बैकग्राउंड है या फिर उस बैकग्राउंड का हम नेपथ्य कहेंगे, नेपथ्य एक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एक ही कथा रहेगी और उसमें इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। ये होती है एकांकी। ठीक है, प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन या जिसे हम कहेंगे कि गुलामी वाली भूमिका या फिर गुलामी, है ना, उसको त्याग कर अपने अधिकार एवं न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया इस कहानी के माध्यम से, जिसका नाम है जूलिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। देखिए दोस्तों, ये संवादात्मक कहानी, संवादात्मक कहानी यानी कि क्या, तो संवाद है इसमें, इसमें ऐसे बोलते हुए बोलते हैं ना, है ना, तो वो कहानी है। जैसे कुछ जूलिया अपने शब्द कहेंगे तो कुछ गृहस्वामी यानी कि घर का मालिक, गृहस्वामी यानी कि घर का मालिक, और जूलिया यानी कि बच्चों की गवर्नेंस। जूलिया वासिल देवना आती है जो कि एक ये है शहर है या फिर वो मकान है ना बोल सकते। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जूलिया दबे स्वर में कहती है आपने मुझे बुलाया था मालिक, दबे स्वर में, एकदम जैसे कोई खतरनाक बॉस बैठा हो हमारे सामने और उसके सामने जो उसका जो एम्प्लॉय है, जो उसका जो नौकर है या फिर मेंबर है, उसके कलीग्स है, वो कैसे दबे दबे स्वर में ऐसा आपने मुझे बुलाया मालिक, इस तरह, है ना। गुरु स्वामी कहता है उससे तो कोई डर नहीं है ना, तो वो कहता है हाँ हाँ
बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई शांततापूर्वक बैठती हुई शुक्रिया ऐसे कहती है। शुक्रिया उसके भाव उसके चेहरे पर एकदम दबे हुए दब्बूपन से भाव। गुरु स्वामी कहता है, क्या कहते हैं गुरु स्वामी, माफ कीजिए। तो गुरु स्वामी कहते हैं, नहीं भाई जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है। माफ कीजिए, थोड़ा टेक्निकली इशू हो सकता है। आगे बढ़ते हम। जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, जो तुम्हारी तनख्वाह है वो मैं उसका हिसाब किताब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी कि जो हमें पैसे मिलते हैं हमारे काम के बदले, वह महीने का जो हिसाब होता है या फिर हफ्ते का, उसे कहते हैं हम तनख्वाह। हमारी जो आय है उसे हम तनख्वाह कहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं। मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना ऐसे कहते हैं। तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये तय हुई थी ना। रुबल यानी कि वो रूसी भाषा में वहाँ पे रुबल कहते हैं पैसे को, ठीक है। अब जूलिया विनित स्वर में, विनंती के स्वर में, जी नहीं मालिक 40 रुपये, एकदम भाव उसके है ना नम्र भाव से या फिर विनित स्वर में विनंती। गुरु स्वामी कहते नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। और यूं ही पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी 30 रुपये ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में कहती है, एकदम दबे स्वर में कहती है, जी नहीं 2 महीने 5 दिन, 2 महीने 5 दिन हुए। गुरु स्वामी कहते हैं, क्या कह रहे हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये, लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे जूलिया हाँ में हाँ मिलाती जा रही है, यानी कि वो डिफेंस भी कर रही है या फिर जवाब में प्रश्न का जवाब भी दे रही है, लेकिन वह सुनती जा रही है। यानी कि एक गुलामगिरी सा एक दर्शन, गुलामगिरी का दर्शन हमें यहाँ हो रहा है। और गुलामी यानी कि एक शोषण जिसे कहते हैं हम, किस पर किसका शोषण, तो जूलिया का शोषण सा एक क्या बोलते घटना यहाँ पे हमें या फिर उदाहरण या फिर कुछ भी कहो दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहेंगे कि जो जूलिया पर है बहुत सारा अत्याचार हो रहा है ना उसके। 2 महीने 5 दिन हो गए तो 5 दिन कैंसिल कर दिए गए, उसके बाद 40 रुपये तनख्वाह तय हुई थी तो 30 रुपये कर दी गई है। तो यहाँ पे जो शोषण हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, उसका हमें यह अच्छा एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है अंतोन चेखव जी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, हम एक दिन की भी छुट्टी न ली हो तब जाके तुम्हारे 30 रुपये बनते हैं। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, इतवार यानी कि संडे रविवार, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो, कोल्या यानी कि गृहस्वामी का लड़का। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना, और पूछते भी है, ठीक है ना, एकदम दबाव में एकदम आक्रोशित होके वे यानी कि एकदम चढ़ के ना कि जैसे हम कहते हैं ऐसे इस स्वर में वो गृहस्वामी जूलिया पर बरस रहे हैं, बातों द्वारा बरस रहे हैं। जूलिया एकदम दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, और ऐसा बोल के रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई
मैं क्या गलत कह रहा हूं? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 2 महीने में से 12 दिन तुमने काम नहीं किया। आगे 16 पेज नंबर, यानी तुम्हारे 12 रुबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, ठीक है ना, 19 नागे, ये भी वो पैसे का ही एक ये है। तो 19 नागे घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रुबल, ठीक है। मालिक ही सब कुछ कह रहे हैं, जैसे कि मालिक के ही हाथ में है, जितना देना है उतना दे दो, है ना। कितना हुआ है यह परवाह नहीं है, 60 है 35 है 40 है ना, 50 है 55 है, कोई लेने देने नहीं, जो मालिक तय करेंगे। जितने मालिक, रुपया क्यों ना देते, 1 रुपया क्यों ना देते, तो इस सब ये मालिक तय करेंगे। तो ये ऐसी स्थिति जो नौकरों पे है वह रूस में होती थी, इसलिए अंतोन चेकव जी ने इस दब्बूपन को हटाने के लिए या फिर विनाश करने के लिए या फिर जगने के लिए, सजग रहने के लिए हमें इस कहानी को याद दिया गया। आगे देखते हैं, जूलिया रुवासी हो जाती है, उसके चेहरे पर अभी रोने के भाव होते हैं और रोते स्वर में जी हाँ ऐसी कहती है। गुरुस्वामी, डायरी के पन्ने यूं ही पलटते हुए, हाँ याद आया, पहली जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है, नुकसान ही उठाना पड़ता है मुझे, लिखा है बदा यानी कि लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रुबल ही काटूंगा और एक अत्याचार और एक गुलामगिरी वाली एक स्थिति यहाँ पे बन गई है जूलिया पर। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट, जो शर्ट पर पहना जाता है जैकेट, फट गई, 10 रुबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। वान्या भी गृहस्वामी का लड़का, वान्या के जूते चुरा लिए, पैसों पे पैसे कटते जा रहे, लेकिन जूलिया कुछ नहीं बोल सकती, जूलिया एकदम चुप। रुककर यहां गृहस्वामी, रुककर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, और उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकलते, आगे नहीं कह पाती, एकदम रुक जाती है, रोने लगती है, क्योंकि उस जूलिया को पता था कि उस पर क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं सकती थी। गुरुस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर रख लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी तुम्हें, ये देखो। यूं ही पलटते जूलिया क्या इतनी जरूरत करती कि वह डायरी में देख सकेगी? नहीं, डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है गुरुस्वामी। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, गुरुस्वामी कहे थे उस पर कड़े स्वर में, वो भी दिए होंगे नहीं दिए है, यहां पे देखिए, दिए होंगे नहीं दिए है, ठीक है घटाओ 27 41 में से बचते हैं 14, क्यों हिसाब ठीक है ना, 60 रुबल में से कितने बचे, 60 नहीं वैसे तो 80, 40 रुबल में, 40 रुपये महीने की तनख्वाह तय हुई थी, लेकिन गुरुस्वामी ने क्या किया, 30 ही दी, 30 में से
इसके उसके, कभी नौकरानी ने जूते चुरा लिए, कभी वान्या को खरोच आई, कभी जैकेट चुरा ली, कभी उन वो बच्चों को देखभाल करने के लिए घुमाने लेके गई। इस तरह पैसे तहबतह काटते हुए कितने रुपए पर आ गए, अभी कितने रुपए पर आ गए, तो 12 क्या है ना, 14 माफ कीजिए 14 रूबल पर बात आ गई। और कहते हैं क्यों हिसाब ठीक है ना। जूलिया आंसू पीती हुई और कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल ज्यादा नहीं, ऐसी कांपते स्वर में, एक लड़खड़ाते स्वर में गुरुस्वामी कहते हैं, जैसे आसमान गिर पड़ा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से सही, इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। डायरी खोलकर उस पर उसमें यू ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद, ऊपर से धन्यवाद, लो। ये तो दब्बूपन की हद हो गई, गुलामी की हद हो गई। जानती थी उसको कि उस जूलिया को कि गुरुस्वामी ने ठग लिया है, ठगा जा रहा है, फिर भी धन्यवाद कह रहे है ना, ये तो भाई हद हो गई। आगे देखते क्या होता है। तो गुरुस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है गुरुस्वामी की। जूलिया, जी हाँ मालिक। गुरुस्वामी गुस्से से तुलतुनाने लगता है, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक, आखिर जी हाँ मालिक यानी कि क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, हाँ देखिए यहाँ पे कहा है, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। गुरुस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में एकदम तिलमिलाते हुए, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मांगूंगा। जेब से पूरे पैसे निकालकर 80 रूबल निकालकर, यह है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? क्या ये जरूरी है कि आदमी इतना दब्बू हो जाए किसी को अच्छा लगने के लिए, कि वह अपना अधिकार न मांगे, अपना हक न मांगे, अपने अधिकार के लिए ना लड़े, इतना दब्बू हो जाए? ठीक है, आगे बस खामोश रहे और सारी जादतिया सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर क्रूर निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और
रीडर हित इस संसार में डब्बू और रीडर हित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस तरह गुरुस्वामी जूलिया की आंखें खोलते हुए उसको सच्चाई बताते हुए उसको उसके अस्तित्व की अस्तित्व को जगाते हुए एक छोटा सा मजाक के जरिए उसका डब्बूपन हटाते हुए जो गुरुस्वामी है उसकी आंखें खोल देता है और कहता है कि डब्बू लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है, उनका हमेशा शोषण होगा, इसलिए जागो, अपने लड़ो अपने अस्तित्व के लिए। यही हमारा यह जूलिया पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसके सब शब्द देखिए, भीरु यानी कि डरपोक, बुधा यानी कि मूर्ख, गावदी सुस्त, नागा वह दिन जिस दिन काम न किया हो। मैंने नागा को आप नागा माफ़ कीजिए, यहाँ पे इसका सही अर्थ यह है कि वह दिन जिस दिन काम न किया हो, इसकी हम खाड़ा बोलते हैं ना, वो नागा। ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर जाना, उसको कहते हैं हड़प लेना। इसके स्वाध्याय है, इसके स्वाध्याय आप छुड़ा लीजिए, ठीक है। तो अगला वाला हमारा पाठ है ऐसकी, हम अगले कक्षा में ऐसकी ये पाठ देखने वाले हैं। आप भी इसकी जो अध्ययन करके रखें और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है जूलिया अपने कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।